तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में मल्टी टास्किंग या मल्टी विंडो यूज़ कर पाएंगे। मतलब कि आप मल्टीपल टास्क आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में कैसे कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊँगा, और बहुत अच्छे से आप बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पर कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा है, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में मल्टी विंडो या मल्टी टास्किंग कर पाएंगे बहुत ही ईजिली, बहुत ही क्विकली, और ईजिली आप कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले अपने मोबाइल के यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाना है, अपने मोबाइल के गुड लक वाली ऐप में जाना है। गुड लक वाली ऐप आपको पता होगा, उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद उसके अंदर एक मॉड्यूल मिलता है आपको मल्टी स्टार करके, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मिलता है आपको मल्टी स्टार करके एक मॉड्यूल मिलता है। ये मल्टी स्टार करके आपको एक मॉड्यूल मिलता है, आपको उसके अंदर चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन को ऑन करना है, क्विक लॉन्च ऑफ द मल्टी विंडो, प्रेस एंड होल्ड द रिसेंट की तो क्विक एक्सेस द मल्टी विंडो। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ना, आपको इसको ऑन कर लेना है। बट ये वाला जो फीचर है ना, जब काम करेगा जब आपने वहाँ पर नेविगेशन लगा के रखा है। लाइक मान लो मैं सेटिंग्स पे आया, मैं नेविगेशन कीज़ लगा लेता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पर नेविगेशन बटन्स लगा के रखे हुए हैं, और मान लो मुझे यहाँ पर इसको मुझे उसमें लेना है, इसका मुझे मल्टी विंडो में करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्वैप करके यहाँ दबा के रखूँगा, तो ये यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में व्यू में खुल गया, और दूसरी मुझे जो भी खुलना है वो यहाँ पर खोल सकता हूँ। आप सिंपली देख सकते हैं, आपको सिंपल यहाँ पर इसको उस पर क्लिक करना है, और ऐसे ही अगर आपको इसको पॉपअप व्यू में खोलना है, सिंपल आप यहाँ पर पॉपअप व्यू सेलेक्ट कर लो। पॉपअप व्यू सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर नेविगेशन पर क्लिक करके रखूँ थोड़ी देर, तो वो ऑटोमेटिक पॉपअप में खुल जाएगा। जैसे मान लो पॉपअप में है, मैं थोड़ी देर क्लिक करा, ये पॉपअप में खुल गया। आप देख सकते हैं पॉपअप में आपको ये खुल गया, और आप चाहें तो इसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको साइज़ चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर आपने क्लिक करा और उसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितना साइज़ चाहिए, अपना साइज़ को एडजस्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप तो आपको ये कर लेनी है, चाहे आपने कुछ भी खोला हो, आपने लाइक यहाँ पर गैलरी खोल ली हो, आपने उसको मिनिमाइज करना है, आपने स्वैप करके यूँ रखा और यूँ दबाया, ये मिनिमाइज में आ जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहला ये शानदार चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आया आपको इसी के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, इसमें एक ऑप्शन मिलता है मल्टी विंडोज स्क्रीन जूम, आप इसको भी ऑन कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि जब भी अगर आप स्प्लिट स्क्रीन या कुछ भी इससे यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको जूम करके बता देगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप कहाँ पर हो, तो वो आपको हिंट करके बता देगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करेगा। मेन बात करें इसके अंदर एक और चीज़ आती है मल्टी फोकस, और जो मेन चीज़ है ये पॉपअप व्यू विद मिनिमाइजेशन, अवॉइड मिनिमाइजेशन ऑफ पॉपअप व्यू, सेट द पॉपअप गेजर साइज। तो पॉपअप गेजर साइज को भी यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिवेंट पॉपअप व्यू मिनिमाइजेशन को भी ऑन कर देना है। अब क्या होगा, जब भी मैं ऊपर क्लिक करूँगा, थोड़ी देर यहाँ पर प्रेस करके रखूँगा तो वो पूरा एक एग्जैक्ट साइज पे आ रहा है, और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। मतलब जितना उसका उसमें जो भी चीज़ होंगी वो पूरा आपको इजीली पढ़ के बताने वाला है कैसे। तो ये देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब मेन चीज़ क्या है, आप मल्टी स्टार में मल्टी चीज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि मान लो स्प्लिट स्क्रीन पे व्यू पे गया, स्क्रीन व्यू पे मैंने इसको खोला, स्प्लिट स्क्रीन व्यू पे, तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो जो ब्लैक आता है ना, आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड में ब्लैक आए, तो उसको भी हटा सकते हैं, वहाँ पर ब्लर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद, और ये प्रीवेंट पॉपअप मिनिमाइजेशन को देख रहे हैं ना, इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके फॉन्ट छोटे हो गए और पूरा प्रॉपर फिटिंग्स में आ रहा है। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, मल्टी विंडो स्क्रीन जूम, जिससे क्या होगा वो प्रॉपर आपके उसमें सूट करता है। मतलब जो भी आपके स्क्रीन का साइज होगा ना, उसके हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर लेगा, और उसके उसकी वेथ वो देख सकते हैं आप, अभी ये बढ़ के आ गया है, आप इसको एडजस्ट करेंगे तो वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है, मल्टी स्क्रीन जूम, आप जूम करेंगे और अच्छे से ये वाला स्क्रीन फीचर काम करेगा आपका। अब दोबारा करूँ, आप देखेंगे उसका अंतर, आप देख सकते हैं इससे यूज़ करने से उसके फॉन्ट छोटे हो गए, और उसके अंदर जो आने वाला पूरा कैप्चर डाटा पूरा कैप्चर हो रहा है। अगर आप दूसरी सेटिंग्स को भी खोलेंगे तो भी आप देखेंगे उसके अंदर जो पूरी उसका आने की क्षमता है ना,
उसको यहाँ पर बढ़ा दी गई है और अच्छे से वो आ रहा है। अगर आप ऐसे ही पॉपअप व्यू में लेके जाएंगे तो पॉपअप व्यू में भी वो इस तरीका ही का ही काम करेगा। पर इसमें एक चीज़ और बताने वाला था, स्प्लिट स्क्रीन व्यू में, स्प्लिट स्क्रीन व्यू में जब आप इसको ऑन करेंगे रिमूव ब्लर इफेक्ट्स को, अब क्या होगा, जब भी आप स्प्लिट स्क्रीन खोलेंगे तो पीछे में बैकग्राउंड में ब्लर नहीं आएगा और अच्छे से सीधा आएगा, जो भी चीज़ आपको खोलनी है ईजिली आप यहाँ पर क्विकली खोल पाएंगे। और अब इसी में एक चीज़ और करें, अब मैं इसको कर लूँ पॉपअप व्यू में, ठीक है। अब मैंने दोनों को पॉपअप व्यू सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, क्विक लॉन्च में भी और मल्टी विंडो स्क्रीन में भी। अब मैं पॉपअप व्यू में खोलता हूँ, तो एक पॉपअप व्यू में खोला तो आप देखेंगे इसके फॉन्ट भी छोटे हुए और अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा खोलूँ, लाइक मैंने व्हाट्सअप को खोला और इसको मैं यहाँ पर पॉपअप व्यू में खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको भी एडजस्ट कर दिया गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पर फोटोज़ खोलूँ, उसको पॉपअप व्यू में खोलूँ, तो वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। सब अपने अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मैसेज खोलूँ, तो आप देख सकते हैं वो भी एडजस्ट हो गया है। तो ये है आपका मेनली मल्टीटास्किंग, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। जिस चीज़ को आप यूज़ करेंगे वो पूरी चारों चीज़ों को आप इकट्ठे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मैसेजिंग कर लें, चाहे आप मैसेजिंग कर लें, चाहे फोटोज़ देख लें, चाहे व्हाट्सएप चैटिंग कर लें, चाहे अपनी नॉर्मल सेटिंग्स कर लें, तो सब चीज़ें यहाँ पर आप खोलना चाहे कर सकते हैं। और लाइक कैमरा खोलना चाहे तो आप अपना कैमरा भी यहाँ पर खोल के कुछ भी यूज़ करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। तो ये होती है मल्टीटास्किंग। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं साइज़ के हिसाब से वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होता जा रहा है। तो ये सिर्फ मल्टीटास्किंग की वजह से ही हो रहा है, और उसके अंदर जो मैंने वहाँ पर स्क्रीन जूम वाला ऑप्शन यूज़ किया है उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आपको शो करके दिखा रहा है, और उसका साइज़ भी बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से वो इसका यूज़ करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये पूरा यहाँ तरीके से यूज़ करके बता रहा है। तो उसके लिए आपको मेनली कौन सा फीचर को यूज़ करना है, और इसमें आप सबको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मिनिमाइज़ भी कर दिया, और बाद में आप कहीं भी इसको यूज खोलना चाहें तो आप तीनों चारों सबको यहाँ पर एक साथ खोल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टी विंडो स्क्रीन जूम को ऑन कर लिया है, मल्टी फोकस को ऑन कर लेना है, रिमूव इफेक्ट्स को ऑन कर देना है, एंड प्रिवेंट पॉपअप व्यू मिनिमाइजेशन को। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलता है, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, आपने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन करने के बाद कहीं से भी आप किसी भी ऐप में हो, सिंपली आपको यूँ ड्रैग ऑन करना है, यहाँ से यूँ ड्रैग ऑन करेंगे, जैसे इसको ऑफ कराएं यहाँ पर, यहाँ से इसको ड्रैग ऑन करेंगे तो वो भी आपका पॉपअप व्यू में आ जाएगा। आप देख सकते हैं सिंपली ऐसे यूं करके यूं ड्रैग ऑन करेंगे तो वो पॉपअप व्यू में, सिंपली आपको कॉर्नर से यूं प्रेस करके यूं कर देना है तो वो आपका पॉपअप व्यू में खुल जाएगा। तो इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेन चीज़ थी कि आप पॉपअप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको फुल डीपली नॉलेज दी। इसके अंदर आप यहाँ पर मिनिमाइज भी कर पाएंगे और सारी चीज़ें आप इकट्ठे खोल के इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टा और फेसबुक फॉलो कर लेना। और इतना सब कुछ करी लोगे तो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे नए चैनल पर भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।